Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Amrita and I'm back with my new YouTube video. मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं जयपुर. जब मैं लास्ट टाइम गई थी जयपुर, वो मैं गई थी शूट के पर्पज से. हमारे साथ दी भी जा रही थी और ललित भैया भी जा रहे थे, बट एंड मौके पे उन्होंने हमें धोखा दे दिया और इस बार मैं और मधु जा रहे हैं. सिर्फ हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये, बिकॉज दी के बिना हम कैसे हैंडल करेंगे ये सब कुछ, बिल्कुल नहीं आइडिया, कुछ आइडिया नहीं है. और तुझे मजा आएगा मेरे साथ कि नहीं? नहीं. Let's go guys. कल क्या हुआ, कल हम जिस होटल में गए वहाँ पे लोग हैं, हमने ड्यूलेक्स रूम करा था और हमें ड्यूलेक्स से भी छोटा एक वॉशरूम जितना रूम मिला. बहुत गुस्सा आया, फिर मैं उस टाइम पे फिर थक भी गई थी, मैं सो गई. नेक्स्ट डे उठ के ब्रेकफास्ट किया और मैंने चेक इन किया, बहुत लेट हो गए थे. अभी भी एक सेकेंड, अभी भी कितने बज रहे हैं? 4 बज गए हैं और हम अभी तक कहीं नहीं गए घूमने के लिए. निकल रहे हैं, हमने एक भैया से बात करी थी, वो हमें घुमाएंगे मेरी वॉच. तो हम सबसे पहले अभी आए हैं सिटी पैलेस. 5 सेक्शन है, हम वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम नहाड़गढ़ जाएंगे. ये 5 सेक्शन है. एक सेकेंड, ये 5 सेक्शन है. 1, 2, 3, 4 ही तो है. अच्छा 1, 2 है. 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ जाएंगे. यहाँ पे जो 5 सेशन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. अब हम कुछ खाने पीने आए हैं, वहाँ अंदर अलाउड नहीं था कुछ भी फोटोज एंड वीडियोज, और हम यहाँ पे अब कुछ खाने के लिए आए हैं और ये कितना प्रिटी लग रहा है. चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं लंच भी नहीं किया कुछ. यही क्या बता, मुझे डोर मुंह पे मार दिया. हाय, अब सुकून मिलेगा मेरे को. ऑरेंज जूस पीने का इतना मन कर रहा है, इतनी क्रेविंग हो रही है. अभी मैं जल्दी से कुछ खाऊंगी पीऊंगी. नहाड़गढ़ जाएंगे. नहाड़गढ़ यहाँ पे मेरा मेकअप हो रहा था, सब कुछ यहाँ मैंने ड्रेस चेंज करी थी, मुझे याद आ गया. यहाँ पूरे इधर मैंने ड्रेस चेंज करी थी और वहाँ की साइड मैंने मेकअप किया था. तो अभी हम नहाड़गढ़ फोर्ट आए, ऊपर आए, ये व्यू देखा हमने, बहुत प्रिटी है. एंड यहाँ पे हमने लास्ट लारे शूट किया था, उसके बाद मैं अब आई हूँ. और लारे शूट जब किया था हमने जयपुर में फर्स्ट टाइम, तभी आई थी और यही फोर्ट मैंने देखा था और कुछ नहीं देखा. और वो कौन सा जल महल देखा था बस, और कुछ नहीं देखा था. और यहाँ पे ही हमने शूट किया था और यहाँ बहुत सारे बंदर है, मेरे को बंदरों से डर लगता है. अभी आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं दिखूँगा. बस ऊपर से सब अंधेरा अंधेरा हो गया, रात हो गई है, 8 बज गए हैं. 8 बज गए हैं भैया? हाँ, तो अराउंड 8 बज गए हैं और यादें ताज़ा हो गई. 3 साल, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए लारे शूट करे. और व्यू कितना मस्त है, ऊपर आ गया तो व्यू इंजॉय करने का वाला सीन है. लिया था हमने, अब जस्ट अभी आके मैंने चेंज किया है और फिर मैं सोचा था व्लॉग बना लेती हूँ, वरना मैं सोने वाली थी. फुल मैंने मूड बना लिया कि मैं सो जाऊँगी, अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पैर में इतना दर्द हो रहा है, इतना चली हूँ,
वो जो लास्ट पे हम जो व्यू वाला पॉइंट था जहाँ मैंने बताया कि मैं थोड़ी याद था, वहाँ पे मैं इतना चल रही थी मेरे को दर्द हो गया पैरों में, और मैं सोने वाली हूँ और कल मिलते हैं, गुड नाइट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज हम लोगों ने अभी पैकिंग कर ली है, आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? और आँख में आँख देख के बोल भाई, एक चीज बतानी मुझे भाई, ये लोग दो दिन एक दिन एक दिन एक साथ रहे, पूरा दिन पूरी रात इनके में ऐसी लड़ाई हुआ हो रही है कि बिल्कुल गली की आंटी ने लड़ाइयों हो रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो अभी हम जाएंगे चौकीदानी, यहाँ से जो कल भैया शॉपिंग करने जाएंगे मॉल जाना। ओ हाँ, मैं भूल गई थी, हाँ कपड़े लेने, मैं आज ये लेके आई थी, मैंने सोचा था आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और शायद ये ब्लॉग 2-3 दिन बाद आएगा, इसलिए थोड़ा लेट विश हो जाएगा। हमने कल जुतियाँ ली, ये दिखा जुत्ती, दिखा ये यहाँ से ली 200 की ये, और एक और ली। हाँ कितनी मिलती है? 350-400 और यहाँ पे। हाँ, और ये यहाँ की बहुत कम्फर्टेबल है। अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद हम चौकीदारी जाएंगे, देन हम जाएंगे घर। मैंने और मधु ने कपड़े ले लिए, मधु ने ये येलो सूट लिया है और मैंने ये, और मॉल में इतना रश था, पता नहीं क्यों आज 3 अगस्त है, इसलिए पता नहीं क्यों आज शायद से हर जगह ही होगा। और अभी हम जा रहे हैं हवा महल, हवा महल हम बाहर बैठे के अंदर जाएंगे, देखेंगे। मधु ऑलरेडी गई हुई है ना, कैसा था? ठीक है, नॉट सो वाओ, नहीं अच्छा है, ठीक है। अच्छा पहुँच गए हम पे, हवा महल जाना मतलब बेवकूफ़ी, जयपुर आना आना भी इतनी बेवकूफ़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी हवा महल में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़, रुका नहीं गया हम, 10 मिनट में बाहर आ गए वहाँ से। और अभी कोई मंदिर जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद चौकीदानी, अगर चौकीदानी कोई कार निकला ना तो मैं मधु को कूटूंगी, इसने इतना हाइप करा है चौकीदानी, बहुत अच्छा लगता है ये वो, लेट्स सी क्या होता है। गई थी उदयपुर, बोलने वाली थी जयपुर, क्या था चौकीदानी गए थे हम। एक सेकंड में मैं उतार के बात करती हूँ, बिकॉज बहुत छन होगा सारिया मैंने। और अभी मेरे को आप इस गेटअप में इसलिए देख रही हूँ बिकॉज मैं रील शूट कर रही थी, और अभी मुझे और शूट करना है, इससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ब्लॉग का एंडिंग कर दूँ, बिकॉज मैं वहाँ पर डांस भूल गई थी, मैं बहुत थक गई थी हद से ज़्यादा, पैर ना मेरे 2 दिन तक दर्द हुए हैं घर आने के बाद, और उसके बाद मैं थोड़ा एक्टिव हुई, घर आने के बाद भी इतने काम थे कि मैं उसमें बिजी हो गई थी, शूट भी नहीं कर पा रही थी, फिर वो सारे काम निपटाए, अब शूट करना स्टार्ट किया रेगुलर बेसिस पे। एंड ये मेरा थोड़ा आउटफिट, और जाके रील देखना, शायद रील पहले आ जाएगी और ये ब्लॉग बाद में डलेगा। और मैंने बोला था कि 15 अगस्त के 2-3 दिन बाद वीडियो आएगी, बट उससे और ज़्यादा लेट आ रही है बिकॉज एडिटिंग में टाइम लग गया था। मुझे जयपुर में बहुत मज़ा आया, यही था ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था वो भी आप कॉमेंट करके बताना, या दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको बताया ना क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।